चलिए आगे बढ़ रहे हैं और नोएडा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी हां, नोएडा में भी 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और प्रशासन की मनाही के बावजूद नमाज अदा की इन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सेक्टर 16 के जेजे कॉलोनी का यह मामला है, लॉकडाउन है उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म को आप मानिए, लेकिन नमाज घर में भी अदा की जाती है, वहां की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी 11 लोगों के खिलाफ अभी एक केस दर्ज हुआ है। तो प्रशासन की मनाही के बावजूद ये नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और नोएडा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी हां, नोएडा में भी 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और प्रशासन की मनाही के बावजूद नमाज अदा की इन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सेक्टर 16 के जेजे कॉलोनी का यह मामला है, लॉकडाउन है उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म को आप मानिए, लेकिन नमाज घर में भी अदा की जाती है, वहां की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी 11 लोगों के खिलाफ अभी एक केस दर्ज हुआ है। तो प्रशासन की मनाही के बावजूद ये नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और नोएडा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी हां, नोएडा में भी 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और प्रशासन की मनाही के बावजूद नमाज अदा की इन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सेक्टर 16 के जेजे कॉलोनी का यह मामला है, लॉकडाउन है उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म को आप मानिए, लेकिन नमाज घर में भी अदा की जाती है, वहां की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी 11 लोगों के खिलाफ अभी एक केस दर्ज हुआ है। तो प्रशासन की मनाही के बावजूद ये नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और नोएडा से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। जी हां, नोएडा में भी 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है और प्रशासन की मनाही के बावजूद नमाज अदा की इन्होंने। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सेक्टर 16 के जेजे कॉलोनी का यह मामला है, लॉकडाउन है उसके बाद भी लोग नहीं मान रहे। आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं, धर्म को आप मानिए, लेकिन नमाज घर में भी अदा की जाती है, वहां की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी 11 लोगों के खिलाफ अभी एक केस दर्ज हुआ है। तो प्रशासन की मनाही के बावजूद ये नमाज अदा कर रहे थे और उसके बाद ये कार्रवाई हुई है, नामजद एफआईआर दर्ज हुई है।